अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तारावती चाची। हाँ चाची प्रणाम। हम घर पहुंच गए थे, सोचा तुमको बता दे। वहां रूपा तुम लोगों को तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं, पर क्या? बोल बोल ना काकी। रूपा क्या बिस्तर गीला करती है? नहीं तो कभी भी नहीं। वहां पर किया क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आप चले गए ना तो शायद आपको याद कर रही होगी, डर गई होगी। वो वैसे मालती दीदी है ना, लेकिन फिर भी जगह तो अनजान है ना, नया जगह है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम ना अपना कनक कोयल के साथ ही सुलाएंगे उसको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, हम हैं। ठीक है प्रणाम, बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। माई, कुछ तो गड़बड़ है। ही सुबह से इतना गुमसुम है, इतना हंसती खेलती लड़की, इतना गुमसुम, और ये फिर बिस्तर गीला करना, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, नानी से दूर है ना, दिन भर वक्त तो नानी के साथ ही गुजरता है उसका। पहली बार घर से बाहर रात को और नानी से भी दूर, इसीलिए। हितम को नहीं पता कि उसको नानी याद आ रही है कि बात कुछ और है। तू भाभी, रूपा, रूपा। क्या हुआ रूपा को? भाभी रूपा कहीं नहीं मिल रही है, वो घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। रूपा कहीं नहीं मिल रही है? अच्छा, रूपा ने बोला कि उसे सोना है, तो मैंने भी उसे कमरे में ही रहने दिया। और जब मैंने वापस जाकर उसे देखा कमरे में, तो रूपा वहां नहीं थी। आप ठीक से देखे, घर का कोना कोना देखे आप, कहे कि बहुत ही बड़ा घर है। कू भाभी, घर के हर कोने में देख लिया, यहाँ तक कि पार्किंग एरिया में भी देख लिया, लेकिन रूपा का कुछ पता नहीं चला। क्या बात है, क्या हुआ? रूपा कहीं नहीं मिल रही है राजीव बाबू। व्हाट, क्या कह रहे हो? अरे भाई, पराए घर की लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हंगामा हो जाएगा। चंदेल परिवार का नाम वैसे भी इन दिनों। ओह माय गॉश, शक्लें देखो सबकी। हमारे बेटे को जेल भेजा था ना, आदत डाल लो अब इसकी। इस घर में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं, ये बतुआ है हमारी। खबरदार, जो अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ निकाली, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुमको। संजीव, फिर से आसपास के इलाके में छान मारते हैं, तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। राजीव बाबू, हम भी चलते हैं। चलो। चले जाना, भाग जाना, रूपा ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसे नहीं है, ना जाने क्या हो गया उसको। शांत रहिए, मिल जाएगी रूपा, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ जिंदू जी, नहीं, अभी अभी तक तो नहीं, ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। कुआ के रूपा को कुछ हो गया तो तारामती काकी को क्या जवाब देंगे हम, क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं नहीं, भोले बाबा है ना, दुर्गा जी हैं, कुछ नहीं होगा। कौन है? निकलो वहां से बेटा, यहाँ क्या छुपी हो? चलो चलो निकलो वहां से, घर जाओ बेटा, जाओ इधर आओ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। चलो निकलो,
नहीं, मुझे नहीं जाना घर, नहीं जाना। घर जा बेटा। नहीं, नहीं मुझे घर नहीं जाना। रूपा, चलिए। मुझे घर नहीं जाना। चलो घर चलो बेटा। अरे घर चलो चलो। रूपा, विधायक जी आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ, ये हमारे घर की बच्ची है, माने हमारे घर की बेटी है। अरे माता की मूर्ति के पीछे छुपी हुई थी और निकलने के लिए बोल रहा था तो निकल ही नहीं रही। बोलती है घर नहीं जाना, बस यही बोल रही है। रूपा, क्या हुआ बच्चे, तुम ठीक हो ना? घर नहीं जाना, चलो आओ घर चलो। क्या हो गया? अब कोई कुछ बोला क्या तुमको? तुम इस तरह घर से यहाँ क्यों छुपी हुई थी? कोई तुमको डांटा या डराया या कोई कुछ बुरा बोला? बोलो, बताओ हमको। ठीक है, चलते हैं, घर चलते हैं, घर में चल के आराम से बात करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रूपा, घर क्यों जाना है? बाहर का मौसम देखा है? अरे कितना खूबसूरत मौसम है। अरे ऐसे मौसम में कोई घर थोड़ी ना जाता है, पार्क जाता है, राइट? हम अभी संजीव को फोन करते और कनक और कोयल को भी ना पार्क में ही बुला देते, ठीक है? हाँ चले पार्क में कनक कोयल के साथ। हाँ अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अवधेश, ये मास्टर कौन है? मास्टर? कौन मास्टर? हमने घर पे सबको बात करते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि इस पूरे प्लान के पीछे कोई मास्टर है, कोई है जिसने ये पूरा कांड प्लान किया है। मास्टर नहीं मां, मास्टरमाइंड। जो भी है तू फटाफट नाम बता हमें, हम तो कहते हैं पता दे उसका, जाकर पूछेंगे उससे कि क्या घटिया प्लानिंग है उसकी। उसकी प्लानिंग की वजह से तुम दोनों जेल में हो। उसके बारे में अपना मुंह मत खोलो, समझा? उसके बारे में कुछ पता चला ना, तेरी माँ का उस दिन आखिरी दिन होगा। अवधेश, क्या ये सब क्या कह रही हो माता? हमें लगता है सबको कोई गलतफहमी हुई, कोई मास्टरमाइंड नहीं है। ये हम दोनों ने मिलकर किया है, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है और कोई नहीं है इसके पीछे। खेलो, कम कम, आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया रूपा को? रूपा वो चलो। चलो, थोड़ी तो रिलैक्स हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ सिंधु, लेकिन कल वाली बात नहीं, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट सब मिसिंग है। कुछ पता चला कि ये घर छोड़ के क्यों भागे गए? अभी तक कुछ बता ही नहीं है, हम भी पूछने पे जोर नहीं डाले हैं, ये अभी तैयार नहीं है कुछ बताने के लिए। घर पहुंच के इत्मीनान से पूछेंगे हम। आपको क्या हुआ, आप क्या सोच रहे? यही कहूँ कि एक 10 साल की बच्ची ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, ना माँ बाप का साया है उस पे, ना परिवार है, फिर भी कल तक उत्साह से भरी थी ये लड़की, जिंदगी के जोश से झूम रही थी, नाच रही थी, और आज देखो इसको, ऐसा माहौल बना दिया था ना इसने कि आज जब ये खामोश है ना तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई, बेचैन हो गई है हम सबके लिए। दादा, आप सिटी SP से मिलने गए थे ना, अवधेश और साक्षी के बारे में कोई जानकारी मिली? पता चला ये सबके पीछे कौन है, कौन है मास्टरमाइंड, कोई सुराग मिला? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, इसको आराम करने देते हैं। रूपा, क्या हो गया इसको?
रूपा, 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 क्या हुआ रूपा को? हमने इसकी चीखने की आवाज सुनी। अम्मा, रूपा ने फिर से बेड पे। डॉक्टर से बात करनी होगी। इसमें जरूर कोनो बात है। हमको पता करना पड़ेगा। तो उसे नैना मिलाइके के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।